ऐसा कोई वीर नहीं जिसे मालूम तूने कसम क्या है मुझे, ओ आज मैं छोड़ूंगा तुझे, तूने कसम क्या है मुझे। आपके रथ पर बिठा कर सारे राज के आगे चलो। देखिए भीष्म अपने रथ पर बिठा कर अंबा को सालों राज के यहाँ ले जाने की तैयारी करते। इधर किसी गुप्तचर के द्वारा सूचना दी जाती है सालों राज को, ये है सालों राज, आज भीष्म आपकी पत्नी का अपहरण करके ले जा रहा है। इधर सालों राज सारी सेना सहित भीष्म के सामने आते तो देखिए ऐसा घनघोर युद्ध, भीष्म के एक ही बाण से सालों राज की सारी सेना समाप्त हो जाती। तो अंबा कहती है कि हे भीष्म, आपको मुझसे शादी करना पड़ेगा। भीष्म कहते हैं अम्बा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा परशुराम के पास जाती। जैसे ही परशुराम भीष्म के सामने आते हैं क्या होता है, महाभारत कोई कबड्डी का खेल नहीं है। क्या कहते हैं कि का पूछेगी ये धरती, वीर जब तलवार उठाएंगे, का उठेगी ये धरती वीर जब तलवार उठाएंगे, दूरी ही रहना मेरे दुश्मन, हम तेरे लहू से एक नया इतिहास रचाएंगे। भीष्म बलवान थे, क्या कहते हैं, मैं चाहूं तुझे चंद लम्हों में मिटा दूं, तुझे जीने से मजबूर कर दूं। अरे पीठ पीछे बोलता है क्यों, मगर अपनी में आ जाऊं तो तेरी जिंदगी से नामो निशान मिटा दूं। कि काबू उठे और एक बात हो कि बेटा अभी तो नादान है, तेरी युद्ध करने की उम्र नहीं है, क्योंकि बराबर की टक्कर का मजा ही कुछ और है। तो देखिए कि ये तो समर मैदान है, ना है खेल कबड्डी का, ये कोई कबड्डी का खेल नहीं है, ये तो समर मैदान है, ना है खेल कबड्डी का, यहाँ तो तीर तलवारें चलती है, जुड़ा होता है। देखिए भीष्म बलवान थे, क्या कहते हैं, सारे जहां पर जाकर पता कर लेना, ऐसा कोई वीर नहीं, ऐसा कोई वीर नहीं जिसे मालूम नहीं ये मेरा नाम।
Yeah.
क्या कहते हैं विष्णु वीरों में है जान मेरे बचेगा ना तू यहाँ रे करता है लाल ये छुप जा चाहे जहाँ रे छिप गए थे बोतारे वीर लाल ते Oh, my God.